नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ में आज ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स लिमिटेड द्वारा एक विशाल क्लिनिकल डायग्नोस्टिक रोड शो का आयोजन होटल ग्रैंड एसआर में किया गया, जिसमें कंपनी के जोनल मैनेजर एसपाल सिंह, रीजनल सेल्स मैनेजर संजीव श्रीवास्तव एवं रवि आनंद द्वारा नवीनतम डायग्नोस्टिक मशीनों का प्रदर्शन किया गया तथा साथ ही शरीर में होने वाली बीमारी कोविड-19, मलेरिया, डेंगू, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का मशीनों द्वारा किफ़ायती दरों पर गुणवत्तायुक्त के साथ कैसे पता लगाएं डेमोस्ट्रेट किया गया। इसमें आजमगढ़ शहर के विभिन्न पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर तथा टेक्नोलॉजिस्ट उपस्थित रहे। मशीनों की विस्तृत जानकारी देने के लिए ट्रांस एशिया के हेड ऑफिस मुंबई से गौरव भिड़े भी उपस्थित रहे। मैं भारत पैरा मेडिकल कॉलेज ठेकवा आजमगढ़ का डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर MN प्रजापति मेरा नाम है। मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं जो पैथोलॉजी की पढ़ाई पढ़ते हैं और आज जो इरबा ट्रांसेशिया कंपनी ने हमारे बच्चों को इनवाइट करके यहाँ बुला के प्रशिक्षण दिया है। देखिए, जो चीज़ें होती हैं आज के जीवन काल में वो जांच करना बहुत कंपलसरी होता है। जैसे अभी आपने सुना इलेक्ट्रोलाइट पैनल एक ऐसा है, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपके शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है तो सोडियम का काम है बॉडी में ऑक्सीजन पहुँचाना प्लस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। एक नमक की कमी से BP लो हो जाएगा, अगर हमें समय रहते नहीं ज्ञान हो सकता है तो हमारे मरीज के ऊपर कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से इनकी एक मशीन है, ऑटोएनलाइजर है, तो उससे ये पता चलता है कि मरीज की डायलिसिस की कंडीशन तो नहीं, जिस पर यूरिया क्रिएटिनिन जांच होता है और ये पता चल जाता है कि मरीज किडनी फ्लोर में जा रहा है। हम टेस्ट लगा के वो मरीज के डायलिसिस करा के उस मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो ऐसे बच्चों को इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। ये बच्चे अब गाँव में जा के HbA1c इनका जो है 3 महीने का शुगर लेवल आएगा, ये सब सारे टेस्ट को सीख कर बच्चे जाएंगे गाँव में अपना प्रचार प्रसार करेंगे और मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रख के उसमें जागरूकता फैलाएंगे। मैं यशपाल सिंह ट्रांसेशिया बायोमेडिकल से हूँ, मैं जोनल मैनेजर हूँ और ये एरिया का एज अ जोनल हेड मैं इसको देखता हूँ। हमारी टीम है यहाँ आजमगढ़ हेडक्वार्टर पे, हमारे सेल्स के लोग हैं, हमारे सर्विस के लोग हैं और पहली बार ये रोड शो हमने ऑर्गेनाइज किया है ट्रांसेशिया बायोमेडिकल से, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को हमने यहाँ पे शो किया है, लोगों को दिखाया है, बताया है कि वो कैसे कैसे वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं, कैसे कैसे वो यूज़फुल हो सकता है उनके लिए, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइजर, हमने इसमें एलाइजा रीडर्स, ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, एनालाइजर्स हैं जिसमें हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। लाइक बायोकेमिस्ट्री में हम SGPT, OT, यूरिया, क्रिएटिनिन, लाइक ग्लूकोज, HbA1c एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसको हम इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइसेस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में इसको हम लोग टेस्ट करने के लिए इस पर प्रोग्राम करके और इसको लोगों को इसका लाभ पहुँचा सकते हैं। हेमेटोलॉजी एनालाइजर है जो हमारे पास है, 3 पार्ट है 5 पार्ट है हमारे पास। एक इलेक्ट्रोलाइट मशीन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया है जो इलेक्ट्रोड फ्री है वो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, बट वी आर जस्ट गिविंग इट एज अ बायोसेंसर चिप। उसके अंदर एक बायोसेंसर चिप दे रहे हैं जिसमें कॉस्टिंग कम आती है। क्या होता है कि नॉर्मल मशीन है आज की डेट में जो मार्केट में है अवेलेबल हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, एवरी ईयर हमको उसमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोड चेंज करने होते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम चिप कार्ड देते हैं, जो रिएजेंट प्रोवाइड करते हैं उसके साथ FOC फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, 2 चिप कार्ड दे देते हैं जो एक तो आप यूज़ कर लेते हैं और दूसरा क्या होता है एज अ एक्स्ट्रा आप रखे रहते हैं, अगर कल को कोई इशू होता है तो दूसरा आप इंस्टॉल करके कर सकते हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म पर हमने लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की है कि कम से कम अफोर्डेबल प्राइस में कैसे लोग अपने टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। आजमगढ़ सिटी में पहली बार हम लोगों ने किया है और अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अभी दोपहर के 12 या 1 बजे हुए हैं और करीब करीब 50 लोगों ने हमारी मशीन्स को, ऑलमोस्ट 50 लोगों ने मशीन्स को देखा है और उसको सराहा है।